नमस्कार दोस्तों, पटना यूनिवर्सिटी ने अपना एक आपको एडमिशन के लिए फॉर्म निकाल दी है यूजी कोर्स के लिए, जो कि बीए है, बीएससी है, बीकॉम है। मैं एक बार और आपको रिक्वेस्ट करा देता हूँ ताकि आप लोग दोबारा गलती ना करें, उस कोर्स वाले मत जाए भरने आई। तो फ्रेंड्स, अगर आपका पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में आप चाहते हो बीएससी करना, कोई भी ऑनर्स, बीकॉम चाहते हो करना, कोई भी ऑनर्स, बीए चाहते हो कोई भी ऑनर्स करना, या फिर दोस्तों आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम सेल्फ फाइनेंसिंग के तहत में बीकॉम बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब बीसीए, या फिर आप चाहते हो बीबीए करना, या फिर चाहते हो बीए इन मास कम्युनिकेशन करना, बीए इन सोशल वर्क करना, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी करना, बीए इन फंक्शनल इंग्लिश करना, या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस करना, तो इतना आप दोस्तों कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एलएलबी, लाइब्रेरी साइंस, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इसका अभी नहीं आया है, और ना दोस्तों पीजी का आया है। इतने कोर्स वाले दोस्तों 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए वेबसाइट जो लिंक दिया हुआ है, तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कैसे अप्लाई करें। आइए तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी लिख लेना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पटना यूनिवर्सिटी, ऐसे आप एक बार में इसको लिख लो अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पटना यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आप चले जाओ। काफ़ी दोस्तों आप लोग का थोड़ा बहुत नेटवर्क अच्छा रहना चाहिए। और देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पर मोबाइल फोन से फॉर्म भर रहा हूँ। अब यहाँ देखो दोस्तों, आप लोग का अप्लाई ऑनलाइन लिंक आ रहा है, बस आप एक यहाँ पर टाइप करो और एडमिशन 2021-22 पर क्लिक कर दो। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आप लोग का ये वेबसाइट खुल के आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको 3 से 4 बातें समझनी पड़ेगी, वो क्या क्या है आइए मैं जानता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर प्रोग्राम क्या क्या है वो सुन लीजिए। अगर आप इसके अंदर में आते हो तो ही आप जाना, ऐसे नहीं आते हो तो यहाँ पर मत जाना। सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पर इलिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी, तो मैं आपको यहाँ पर इलिबिलिटी के बारे में स्टार्ट करता हूँ। उसको थोड़ी डाउन होने लगता हूँ। तो दोस्तों पटना यूनिवर्सिटी में कोई भी फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप अच्छी तरीके से एलिजिबिलिटी पढ़ लीजिए। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं पढ़ोगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले अगर चाहते हो यहाँ पर बीएससी ऑनर्स मैथ्स करना, तो यहाँ पर देखो आप लोग को यहाँ पर +2 आईएससी 45% मार्क्स चाहिए कम से कम। अगर 45% से मार्क्स अगर कम है तो फिर आप इसमें एडमिशन नहीं सकते हो। और एक बार याद रखना कि बीएससी मैथ ऑनर्स जो है पीसीएम वाले ही कर सकते हैं, पीसीबी वाले नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात को यहाँ पर डिनोट कर दिया गया है। वहीं बैचलर इन कंप्यूटर से जो चाहते हैं बीसीए करना, उनको आईए, आईसी, आईकॉम 10+2 में सिर्फ 45% मार्क्स चाहिए एग्रीगेट विथ मैथ एंड स्टैटिक्स। तो अगर आप 11-12 में मैथ नहीं है, आप आईएससी हो कोई डिपेंड नहीं करता, उसे कोई ठीक नहीं, चलो आईएससी हो या फिर आईए भी क्यों ना किए हो, या फिर दोस्तों आप आईकॉम में क्यों ना किए हुए हो, लेकिन एक्स्ट्रा में भी मैथ लिए हुए हो तो आपका काम चल जाएगा। अगर आपका दोस्तों मैथ नहीं है, या फिर पीसीएम पीसीबी किए हुए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किए हुए हो, लेकिन मैथ आपका अगर नहीं है उसके अंदर में, तो एक्स्ट्रा में भी तो आप ये नहीं कर सकते, बीसीए नहीं कर सकते। तो मैथ तो रहना इसमें, या फिर स्टैटिक्स भी रहना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों चाहते हो यहां से बैचलर इन इन्वर्टर साइंस करना, तो आप लोग की 45% बस मार्क्स चाहिए, कोई भी सिर्फ आईएससी वाले चलेगा, बाकी आईए आईकॉम वाले नहीं कर सकते। उसके बाद बीकॉम ऑनर्स चाहते हो करें यहां से, तो आपको +2 कोई भी हो, आईए हो या आईएससी हो, ठीक है। आईकॉम वालों को यहां पर जो है वो तो है ही, वो तो करेंगे ही, मार्क करेंगे, 45% मार्क्स चाहिए। आपको कॉमर्स वाले भी, आईकॉम वाले को 45% तो चलेगा, लेकिन आप आईए या फिर आईएससी करके चाहते हो आप यहाँ पर बीकॉम करना, तो 50% मार्क्स चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ चाहते हो बीबीए करना आप लोग, तो बीबीए के अंदर में आईए, आईएससी, आईकॉम सब चलेगा, लेकिन ध्यान रखें 45% मार्क्स चाहिए। और चाहते हो यहाँ पर आप लोग बीए बैचलर इन मास कम्युनिकेशन करना, तो आईए, आईएससी, आईकॉम सब चलेगा, लेकिन आप लोग यहाँ 45% मार्क्स चाहिए। बैचलर इन सोशल वर्क भी सेम चीज़ है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं बीए ऑनर्स के बारे में, तो आप आईए हो या आईएससी हो या आईकॉम हो, +2 वाले 45% मार्क्स चाहिए आपको, बस बाकी कोई एलिजिबिलिटी इसमें नहीं है। बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप में चाहते हो करना, तो आपका यहाँ पर पीसीबी, सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले से ही अप्लाई कर सकते हैं बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप के लिए, और वो भी इनको 45% एग्रीगेट करके, या फिर 45% उनको आना चाहिए। बैचलर इन बायोटेक्नोलॉजी वाले भी सेम फंडा है, आईएससी, पीसीबी या फिर पीसीएमबी चलेगा, लेकिन बायोलॉजी रहना जरूरी है। अगर चाहते हो बायोटेक्नोलॉजी करना, तो आप यहाँ पर आईएससी किए हो पीसीएम से भी, लेकिन बायोलॉजी एक्स्ट्रा है तो भी आपका चलेगा, 50% मार्क्स चाहिए, 45% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। उस तरह दोस्तों यहाँ पर आप करते हैं बीबीए वालों के लिए, तो बीबीए के सेम फंडा में बता दिया, सिर्फ 45% मार्क्स डिपेंड करता है, बाकी कोई भी कोर्स हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग कुल मिलाकर बहुत सारे रिव्यूज लिखे हुए हैं कि यहाँ पर इंटर क्या चाहिए। मैं आपको यहाँ बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दिया हूँ, जो कि मैं आपको यहाँ पर टाइम नहीं चाहता बर्बाद करना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले हम प्रोग्राम वाइज डिटेल्स फॉर एडमिशन 2021-22 पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में कितनी सीटें हैं, कैसे कैसे यहाँ पर है, सबसे पहली बात की आपकी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगी, और सब ये समझ गए। उसके बाद आप लोग यहाँ पर एडमिशन के फी के समय कितना रुपया लेके जाना है, इसको लेकर दोस्तों मैं आपको
स्पेशल दोस्तों वीडियो बना कर दे दूंगा, ये कुछ खास नहीं है, बस ये बता रहा है कितना सीट है, कैसे कैसे यहाँ पर करना है और स्ट्रीम आप कौन कौन हो तो यहाँ पर ले सकते हो। तो मैं किसी और दिन इसमें आपको यहाँ पर सैलरी ये सब कितना रुपया लगता है ये सब करके मैं आपको एक दिन बता दूंगा, तो ये तो मैं अभी यहाँ पर स्किप करता हूँ। अब आते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले क्या चाहिए सो सुन लीजिए। सबसे पहले दोस्तों आप लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहिए सबसे पहले कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीएससी बीएससी ऑनर्स बीए ऑनर्स बीकॉम ऑनर्स बैचलर इन कंप्यूटर, इतने सारे कोर्स में अप्लाई चल रहा है यहाँ पर ये कहा जा रहा है। उसके बाद फॉर अदर प्रोग्राम्स द डेट विल बी अनाउंस शॉर्टली, और प्रोग्राम भी शॉर्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो कहा गया है कि आप लोग की सेकेंड स्टेज में आपकी इसकी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दोगे तो सेकेंड स्टेज में इसकी जो है मेरिट लिस्ट आएगी और मेरिट लिस्ट के आधार पर आपकी एग्जाम होगी। यहाँ पर कहा गया है कि विंडो विल बी ओपन आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट फॉर फिलिंग अप च्वाइस ऑफ द प्रोग्राम ऑनर्स सब्जेक्ट एंड द कॉलेज। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर उसके बाद पेड एडमिशन फी के बारे में कहा जा रहा है कि जब एडमिशन जब हो जाए तो आप लोग को एडमिशन फी पे करना है। थर्ड स्टेज में दोस्तों आप लोग को यहाँ पर जो है अगर कोई चाहता है, यहाँ देखिए यह लिखा हुआ है कि इफ एनी वेरिएशन इज फाउंड इन द डॉक्यूमेंट्स एंड डाटा फील्ड इन द एप्लीकेशन हिज हर एडमिशन विल बी कैंसल विदाउट एनी फर्दर नोटिस। अगर ऐसा कोई करता है कि बिना कोई नोटिस के अपना एडमिशन कैंसिल कर लेता है तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रावधान यहाँ पर किया गया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपके पास एक अपना ईमेल आईडी चाहिए, उसके बाद दोस्तों जिस पर आपको फ्यूचर में सब कुछ मिलेगा एक मोबाइल नंबर चाहिए ईमेल आईडी के साथ में, ठीक है। उसके बाद कीप स्कैन कॉपी ऑफ योर रिसेंट फोटो जो कि आपकी अब हाल फिलहाल 6 महीना या फिर मतलब 1-2 महीने की पुरानी फोटो चाहिए आपको कलर के रूप में, जो कि पीछे आपको बैकग्राउंड में ब्लू हो या फिर व्हाइट हो। सिग्नेचर आपकी, मार्कशीट आपकी, कास्ट सर्टिफिकेट लगता है तो लगा देना। उसके बाद अगर आप यहाँ पर डिफेंसली एबल हो मतलब कि हैंडीकैप्ड हो तो वो भी आप ये कर सकते हो, आप ये कर लेना। उसके बाद जब अप्लाई फॉर्म कर जाओ तो पेमेंट करना होगा, वो पेमेंट के लिए आपको सबसे पहले पेमेंट की व्यवस्था रहनी चाहिए ऑनलाइन की, जब वो भी कर लो। उसके बाद विजिट द वेबसाइट रिस्पेक्टिव कॉलेज, जो भी कॉलेज चुनना है वो चुन लो, और फिर जैसे जैसे करना कहाँ यहाँ पर कह रहा है वैसे वैसे दोस्तों आप लोग कर लो। और आप फॉर्म कैसे अप्लाई करोगे तो उसके लिए यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर दी हुई है, तो आप लोग ये समझ ही गए। चलो दोस्तों मैं आपको यहाँ बड़ी लंबा वीडियो ले गया, अब आता हूँ उससे सीधे आपको पॉइंट पर कि आप लोग का यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कैसे जाना है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को यहाँ देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट लॉगिन, ठीक है, ऊपर में आप लोग इसको कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक कर लो, बस 2 सेकंड लगेगा। उसके बाद यहाँ आ जाओ तो यहाँ लिख रहा है यहाँ पर देखिएगा कि प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट टू प्रोसीड, यहाँ पर कह रहा है कि एप्लीकेशन आईडी अपना देने के लिए और पासवर्ड डालने के लिए, और नीचे कह रहा है रजिस्टर ए न्यू कैंडिडेट। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग अगर नहीं न्यू हो तो रजिस्टर ए न्यू कैंडिडेट पर क्लिक कर लो। जैसे यहाँ पर करोगे आप लोग यहाँ पर आओ तो अपना आप लोग को यहाँ पहला नाम डालना है, मिडिल का नाम डालना है जो बीच वाला नाम होता है वो डालना है, लास्ट नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, कोर्स अप्लाइंग फॉर किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो वो डालना है, आपका 10+2 में क्या स्ट्रीम था वो डालना है, उसके बाद आप किस राज्य के हो तो इसको बोलते हैं यहाँ पर डोमिसाइल स्टेट। तो अगर आप लोग बाहर के राज्य के हो तो उसमें अलग प्रावधान है, उसमें 10% कटता है, तो मैं किसी और वीडियो में उसको बता दूंगा। अगर आप बाहर से भर रहे हो फॉर्म तो नीचे कमेंट करना, मैं भर दूंगा बता दूंगा। और दोस्तों यहाँ पर जो है सो आप लोग साइन अप कर आगे बढ़ जाओ, मैं फटाफट ये प्रोसेस पूरा कर लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आइए यहां देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पर क्या किया, फर्स्ट नेम मिडिल नेम समझना। अगर किसी का नाम यहां पर गोलू यादव या गोलू कुमार यादव है या फिर गोलू मेहता यादव है, इस टाइप से अगर है आपका तो आपको देखो अगर आपका सीधे गोलू कुमार है ना तो गोलू जो होता है सो आपका यहाँ पर फर्स्ट में फर्स्ट नेम में डाल देना, कुमार मिडिल नेम में, क्योंकि कुमार हमेशा मिडिल नेम होता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा झा है या फिर अगर आपका यहाँ पर यादव है मिश्रा है एक्स्ट्रा तो आप यहाँ पर लास्ट नेम में डालो। अगर 2 ही डिजिट का है तो आप यहाँ से डाल सकते हो। आप जैसे किसी किसी क्या होता है कि सीधे टाइटल लगा होता है, जैसे गोलू मिश्रा सिर्फ लगा रहता है तो आप उस केस में सीधे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल दो, बाकी मिडिल नेम छोड़ सकते हो क्योंकि टाइटल जो होता है ना सबसे लास्ट में आता है। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना, यहाँ इतना ईमेल डाल देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कौन सा कोर्स है, यहाँ पर सिर्फ अभी हो रहा है यूजी का, यूजी चूज करना। और यहाँ पर देखो मेरा इंटरमीडिएट 2+8 विदाउट मैथमेटिक्स चूज कर लिया, फिर मैंने बिहार का चूज कर लिया। जैसे ये चूज करोगे ना ये बता देगा कि आप कौन कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं जो हूँ यहाँ फिलहाल बीए के लिए एलिजिबल हूँ, बैचलर इन बीबीए के लिए एलिजिबल हूँ, उसके बाद यहाँ पर बीएमसी के लिए हूँ एलिजिबल, फिर यहाँ पर हूँ मैं बीए इन सोशल वर्क के लिए हूँ एलिजिबल, फिर यहाँ पर मैं यहाँ पर इंग्लिश के लिए हूँ यहाँ पर। तो ये बता रहा है कि आप इतने कोर्स के लिए फिलहाल के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो, आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। आप देखो जो लोग यहाँ पर जो है सो चूज करेंगे यहाँ पर चूज करने के लिए यहाँ पर बहुत सारा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये चूज करता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको देखो यहाँ पर आ जाएगा बीसीए भी आ जाएगा, इतने सारे कोर्स के लिए मैं एलिजिबल हूँ। तो आपको जो भी कोर्स है अपना पहले यहाँ देख लो, अगर एलिजिबल नहीं हो तो अप्लाई नहीं होगा।
फिर दोस्तों यहाँ पर मैं साइन अप पर क्लिक कर देता हूँ। मैं दोस्तों यहाँ पर जो है साइन अप क्लिक किया तो यहाँ पर एक मैसेज ब्लिंक किया कि साइन अप सक्सेसफुली, एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड आर नाउ अवेलेबल ऑन योर मोबाइल एंड इसमें रजिस्टर्ड ईमेल करके यहाँ पर आ गया। मैं यहाँ ओके कर दिया। देखो सबसे ऊपर मैंने यहाँ पर जस्ट अभी आ गया, यहाँ पर रजिस्टर्ड नंबर और मेरा ईमेल आ गया। ओके फ्रेंड्स, मैं यहाँ आऊँगा और एप्लीकेशन आईडी अपना डालूंगा और पासवर्ड डालूंगा। अभी मैं डाल के आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये जो आया होगा आप लॉगिन, तो फ्रेंड्स यहाँ देखो मैं लॉगिन कर लिया और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप लोग का नेम, उम्मीदवार का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ आपको दिखा दिया। आप देखो यहाँ पर कर रहा है नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर आप आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर लो। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करोगे उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल्स में आप यहाँ पर भरना स्टार्ट करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको जो ऊपर जो है आईडी पासवर्ड वो तो रहने ही देना है, उसके साथ यहाँ पर गोलू यादव लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ कितना है वो भर देना है, फादर जी का नाम क्या है, उसके बाद मदर का नाम क्या है। याद रखना कि आप लोग को मिस्टर, डॉक्टर, पीसी यूज नहीं करना है, सिर्फ जो सिंपल नाम है आप लोग का, जैसे किसी का नाम है डॉक्टर महेंद्र झा, तो डॉक्टर नहीं लगाएगा, सिर्फ महेंद्र झा करना है, इस टाइप से नाम है तो आप यहाँ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। उसका आप यहाँ इंडियन करो, जेंडर कौन सा है, मेल फीमेल, रिलीजन कौन सा है, धर्म मतलब हिंदू इंग्लिश हिंदू हो, ये सब यहाँ पर चूज करते हो तो फिर आप लोग को यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के बारे में भरना पड़ेगा। अगर नहीं चूज करते हो तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर आप लोग कह रहा है कि अगर आप एक बार ये चुन लिए ना फिर आपका ये चेंज नहीं होगा, तो आप लोग का यहाँ पर जाति ये सब जो है फॉर्म भरते समय एडिट का ऑप्शन यहाँ पर इस बार नहीं दिया है, तो इस बार हर एक फॉर्म भरने में गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि आर यू स्पेशल एबल, तो मतलब क्या आप हैंडीकैप्ड हो, तो यहाँ पर मैं दोस्तों यहाँ पर नो चुनना कि नहीं भाई मैं हैंडीकैप्ड नहीं होगा, हो तो भर देना, आधार नंबर देना। आप किसी किसी को यहाँ पर जो है ब्लड ग्रुप नहीं पता होता है, ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप सबसे ऊपर जो ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पर बस चूज वो छोड़ दो। जैसे देखो मैंने यहाँ पर चूज कर दिया तो मेरे अब ये नहीं लेगा, नहीं तो फ्रेंड्स अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव करके डाल दो, इंपॉर्टेंट कह रहा है। वैसे दोस्तों यहाँ पर आप दोस्तों यहाँ पूछेगा आपको कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो यहाँ डाल दो, दूसरा फोन नंबर है तो डाल दो, खैर देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों एड्रेस में आप जो भी चाहते हो भरना वो भर दो और यहाँ पर सेव है नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। जैसे यहाँ पर सेव क्लिक करोगे अब उसके बाद दोस्तों आप लोगों से यहां पर फिल करवाएगा यहां पर आपकी करेक्ट परसेंटेज, सीजीपीए, एग्जामिनेशन, ये सब जो भी है, मैट्रिक में कितना परसेंट आया, ट्वेल्थ में कितना आया, अदर्स दिए हुए तो वो भरना है। उसका यहां कहेगा देखो यहां पर काफी अच्छा सा चुनना, अगर आप लोग यहाँ पर ये सब क्वालिफिकेशन ये सब डाल देते हो उसके बाद यहाँ जब आओगे तो यहाँ पूछा है कोटा के तहत में, ये इंपॉर्टेंट है, कह रहा है प्लीज सेलेक्ट कोटा, अर्थात अगर आप एलिजिबल हो तो यहाँ पर कोटा में डालना है पटना यूनिवर्सिटी स्टाफ कोटा। अगर पटना सिटी में कोई आपके माता पिता काम करते हैं या फिर आप फैमिली में कोई काम करते हैं तो स्टाफ कोटा यहाँ चुन सकते हो, जिसके तहत आप लोग को आरक्षण मिलेगा, एडमिशन थ्रो में थोड़ा बहुत छूट मिलेगा, अगर नहीं है तो चूज मत करना। डिफेंस कोटा, अगर आप डिफेंस के अंदर में हो या फिर आपके परिवार डिफेंस के अंदर में आते हैं तो याद रखना उसके पास सर्टिफिकेट आपको रहना चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपका, तो ये चूज करना। एनसीसी ये सब है ना, एनसीसी जो आता है ये सब चूज करना। अगर आप कोई खेल से जुड़े हुए, कोई भी खेल वेल है, कोई कभी खेले हुए सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा चुनना। फाइन आर्ट किए हुए तो फाइन आर्ट कोटा से हो तो ये चूज करना, और अगर नहीं हो तो यहाँ पर चुपचाप नॉट अप्लीकेबल लिख दो और आप लोग यहाँ पर आगे बढ़ जाना। याद रखना अगर हो तो ही चुनना, नहीं हो तो फालतू मत चुनना, तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा, पर पेमेंट पर चूज का 50 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट है। और फिर दोस्तों अगर चाहते हो तो यहाँ पर बैक भी कर सकते हो, या नहीं तो दोस्तों यहाँ पर जो है सेवन नेक्स्ट पर आगे आप जा सकते हो। याद रखना आप पेमेंट से पहले जितनी बार चूज करते हो उतनी चीज कर सकते हो, क्योंकि पेमेंट के बाद आप चूज नहीं कर सकते। अगर आपका गलती से अगर गलती हो गया फॉर्म भरने में तो फिर से आप नया ईमेल आईडी नया पासवर्ड के थ्रू भी फॉर्म भर सकते हो, लेकिन उसमें पैसा आपका अधिक बर्बाद होगा। तो आइए दोस्तों मैं फटाफट बता देता हूँ कि टेंथ में यहाँ पूछ रहा है कि बोर्ड कौन सा है आपका, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड चूज कर लेना, पासिंग ईयर कौन सा चूज कर लेना, एलिवेशन सिस्टम मतलब सीजीपीए या परसेंटेज है, परसेंटेज यहाँ परसेंटेज डालो, यहाँ पर परसेंटेज जितना परसेंट चुनना पड़ेगा सीजीपीए से जीपीए चुनना पड़ेगा, और उसके बाद डालकर दोस्तों यहाँ इसी तरह से आप ये डालकर आगे बढ़ो। तो मैं फटाफट आगे, अब देखो एक बात समझना और जरूरी है कि यहाँ पर आप जब परसेंटेज सब डाल दोगे ना तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर बोलेगा, तो आप यहाँ पर रोल नंबर डालना, सब्जेक्ट कौन सा है, सब मैट्रिक में क्या होता है कि सब कुछ रहता है, तो यहाँ पर ऑल सब डाल दो, बाकी आप ये मतलब चाहे तो आप हिंदी इंग्लिश मैथ कर लिख भी सकते हो, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर बस आप ऑल सब डाल दो ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद इंटर में आते थे, इंटर में दोस्तों आप लोग यहाँ पीसीएम था पीसीएम डालो, या बीसीबी था मतलब कि पीसीबी था मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था तो शॉर्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर लिख के भी डाल सकते हो कोई दिक्कत है नहीं, या फिर दोस्तों आप हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर हिंदी इंग्लिश डालना जरूरी नहीं होता, वो कंपलसरी होता है सबको देना होता है, तो आप डालना ही भी मत छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब पास कर देना और फिर यहाँ पर सेव नेक्स्ट पर दोस्तों क्लिक कर देना। आप देखो यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पर मैंने एक चीज़ छोड़ दिया, इक्विवेलेंट परसेंटेज, तो एक पूछ रहा है कि जो परसेंटेज है वो किसके कितना कितना के बराबर, जो आपका 89% जो आया है वो कितना के बराबर है, ठीक है, तो वो अब मैं आपको यहाँ फिल कर देता हूँ, आता हूँ।
तो आप यहाँ पर देखो, मैं सिंपल समझाया था, जैसे कि आप यहाँ पर सब कुछ डाल लोगे ना, तो सीबीएसई के थ्रू था, सीजीपीएम परसेंटेज था, तो मैट्रिक में देखो इनका आया हुआ है ऑप्टेन सीजीपीएम में 7.7%, अगर उसको चेंज करोगे इक्विवेलेंट के रूप में तो 72% के आसपास निकलेगा। तो अगर आपका सीधे परसेंटेज में है, ठीक है, अगर आपका सीजीपीएम है सब्जेक्ट, अगर सीजीपीएम मतलब कि होता है एक ग्रेड मार्क होता है उसमें दिया हुआ है, तो उसके अंदर में आपको उसी चीज़ को बदल कर परसेंटेज में लिखना है। आप बस गूगल पर सर्च करके सीजीपीएफ टू कन्वर्ट परसेंटेज, तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा साइज, जाके वहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपका सीधे परसेंटेज में है तो आपको इक्विवेलेंट वाला को नहीं भरना है। आप जैसे कि अगर किसी का 8.99 सीजीपीएम है तो वो जाके अगर भरेंगे तो वो जाके कुछ परसेंट निकलेगा, वो परसेंट इक्विवेलेंट यहाँ लिख देगा। अगर आप सिर्फ परसेंटेज में ही कोई आंसर मतलब कि आपका मार्क्स था तो उसमें ये इक्विवेलेंट भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, जब ये कर दोगे तो उसके बाद आओगे तो याद रखना जो जो आप यहाँ पर चूज करोगे उसको चूज करना सर्टिफिकेट देना चाहिए। आप स्पोर्ट कोटा चुनते हो तो स्पोर्ट कोटा का आपको यहाँ पर होना चाहिए सर्टिफिकेट, होना चाहिए। डिफेंस चुनते हो तो डिफेंस सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। तो आ जाए यहाँ पर, तो आ जाओ। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग का यहाँ पर अपना एक देखो यहाँ पर एक अपना यहाँ पर फोटो डालना पड़ेगा जो कि आप लोग को कुछ केबी के अंदर रहना चाहिए। मैक्सिमम यहाँ पर दिखा हुआ है एकदम 20 KB के अंदर में। देखो एक यहाँ पर याद कर लो, एक रिड्यूस लाइट ना पर एक ऐप आता है, ठीक है, एक फोटो अगर मोबाइल से खींच लेते हैं और रिड्यूस लाइट पर जाकर बस जितना केबी का केक कह रहा है उतना केबी का वहाँ पर डालकर सेव कर लो, आप मोबाइल से अपलोड कर दो, वो एक मिनट में चुटकी में दोस्तों अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम करके यहाँ फोटो डाल देना होगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना साइन कॉपी डालना, साइन करके फोटो ले लेना, कट करके इसको केबी में बदल कर कर लेना। उसके बाद यहाँ पर अपलोड स्कैन कॉपी कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर हो तो, नहीं हो तो जरूरी नहीं है। ठीक, उसके बाद अपलोड स्कैन कॉपी स्टाफ कोटा हो तो डाल दो, नहीं है तो जरूरी नहीं है। उस तरह से जहाँ पर जो जो सर्टिफिकेट कर रहा है, जो आपके पास है अवेलेबल तो डालो, नहीं अवेलेबल तो छोड़ दो, उसको कोई जरूरत नहीं है। चाहे तो उसको यहाँ पर क्लिक हियर टू व्यू भी करके आप दे सकते हो, उसको आराम से दे सकते हो। ओके, जब इतना कर लोगे फ्रेंड्स तो उसका रिव्यू करने के लिए आपको यहाँ पर आएगा एप्लीकेशन फॉर्म रिव्यू। तो आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे ऐसे करके, तो जो जो आपका सही है वो मिलान कर लेना, मिलान करके तो ही आपको यहाँ पर ठीक होगा। सब कुछ अच्छे से मिला लो, एक बार नहीं तीन तीन मिला लो, ये सब कुछ कह रहा है वो मिला लो। ठीक है, अपलोड फोटोग्राफी अपना मिला लो। उसके बाद यहाँ पर जो है सबमिट फॉर्म जो आता है, सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर दो। जैसे ही सबमिट फॉर्म पर क्लिक करोगे आपको कहेगा यहाँ पर डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, क्लिक ओके टू पेमेंट, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर लेना। ओके जैसे कि करोगे ना आगे जाकर एप्लीकेशन आईडी आपका ये सब दे देगा और पे फॉर एप्लीकेशन फॉर्म देगा। बाकी जाके आप दोस्तों यहाँ पर 1350 रुपया लग रहा है। देखो जो लोग यहाँ पर नॉर्मल कोर्स कर रहे हैं वो 1350 रुपया यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पेमेंट करने के लिए यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पर ये वाली चीज़ आप देख रहे हो, तो ये देखो इन्होंने अप्लाई किया था आप लोगों, तो इनका अंदर में यहाँ पर जो है स्लस कैटेगरी के अंदर में इतना रुपया लग गया था 1350 रुपया। तो आप यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर पेमेंट कर लेना। पेमेंट जब कर लोगे फ्रेंड्स तो उसके बाद आप लोगों को पटना यूनिवर्सिटी कुछ इस तरह का यहाँ पर निकल के आ जाएगा। सब कुछ देख सकते हो यहाँ पर कि कैसे क्या है, कैसे कैसे पेमेंट किए थे उनका, ये सभी दोस्तों यहाँ पर पेमेंट यहाँ पर क्लियरेंस होकर दिखेगा और थैंक यू फॉर पेमेंट लिख के ऐसा चला आएगा। तो फिर आप जब आओगे तो ये पटना यूनिवर्सिटी पटना बिहार करके ये आपको निकल के यहाँ पर चला आएगा, जिसके अंदर में आपकी अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स थी उस कोर्स के लिए यूजी कोर्स का यहाँ पर नाम लिखा हुआ रहा है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ रहा है, जेंडर कौन सा ये सब लिखा हुआ रहा है, जो कोटा था वो सब आपको लिखा हुआ कुछ इस टाइप से यहाँ पर आ जाएगा। और पेड यहाँ पर आपको इस टाइप का निकल के आएगा कि आप कैसे कैसे अप्लाई किए, सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स आपका निकल के चला आएगा। बस आप यहाँ पर जो है सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसको आपको सेव कर लेना है अपने मोबाइल में और सेव कर अपने पास अच्छे तरीके से रख लेना है ताकि वो आपको फिर काम देगा। ठीक है, एडमिशन टाइम में काम देगा। आप कुछ लोग कहेंगे सर इसमें कॉलेज सेलेक्ट नहीं आया, तो मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों की पटना यूनिवर्सिटी है वो आप लोगों को कॉलेज सेलेक्ट नहीं करवा रही है। ठीक है, वो जो भी कोर्स है वो कोर्स आप चूज कर लो, वो ऑटोमेटिक अपने अनुसार आपको करेगी। पहले ये कॉलेज सेलेक्ट होता था, अब ये नहीं हो रहा है कि वो अपने अनुसार मूड के अनुसार में आप लोगों को वहाँ पर कॉलेज आपको निकाल कर दे देगी। ठीक है, ये बात आप बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि आप कॉलेज सेलेक्ट नहीं करने का ऑप्शन आएगा, ना तो आया था ना तो आएगा। तो बस यही था इस ऑडियो के अंदर में, जहाँ के अंदर मैंने बता दिया कि कैसे कैसे करना है, किस तरह करना है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और हर एक फॉर्म भरने से पहले अच्छे तरीके से देख लेना, अगर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक जो मैं आपको एक नंबर दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर दोस्तों मैंने सब कुछ दिया हुआ है नीचे, जाके वहां से आप, या फिर इस पर आपको नंबर दिख रहा होगा वही सेव नंबर है, तो आप वहां से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप लोगों को हेल्प तो मिलती रहेगी। ठीक है, तो बस यही स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो मानने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, बाय। कुछ भी हो पूछ लेना, ठीक, कमेंट बॉक्स।